एक क्रिश्चियन जो रात को सोता है वो जयवंत जीवन नहीं जी सकता। अगर अब भी बाइबल से मैं आपको प्रूफ कर दूंगा ये बात, जब भी आप यीशु मसीह को प्रार्थना करते देखेंगे, सारी रात यीशु मसीह को प्रार्थना करते आप देखेंगे, जब भी आप रात को देखेंगे परमेश्वर को प्रार्थना करते आप देखेंगे हमेशा के लिए। वो डेविल, वो दुष्ट आत्माएं जिनको लोग इस्तेमाल करते हैं भेजने के लिए, वो रात को अटैक करती हैं आपकी जिंदगी में, और आप रात को ज्यादातर सोए रहते हैं। अगर रात को 2 घंटे आपकी प्रार्थना नहीं है तो आप मुश्किल में, आपकी आपको रात को आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। अगर आप एक्टिव क्रिश्चियन है, अगर आप एक्टिव मसीही लोग हैं, तब शैतान आपसे डरेगा। मैं आपको बता रहा हूं, वो लोग जो दुष्ट आत्माओं को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको दूध दिए गए स्वर्ग दूध, आप दूतों का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि आपके पास गैर भाषा नहीं है। आपको लगता है ये गैर भाषा पुरानी बात है, आपको लगता है ये बुद्धिमानी की बात नहीं, इसीलिए आपने पी नहीं, आपने पी नहीं, आपने देखा नहीं, आपने देखा नहीं, आपको मिला नहीं। कंप्लेंट मत करो परमेश्वर को, बी अ फाइटर। आप लड़ेंगे और जीतेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। लड़ना आपकी जिम्मेवारी है। मैं अपने प्रेयर रूम में केवल परमेश्वर की बात बोलता हूं कि परमेश्वर मेरा हिस्सा कंप्लीट हो गया, अब आपका शुरू है। तब जब मैं इतनी बात बोलता हूं, सच में मेरे दिल को पता होता है कि मेरा हिस्सा अब कंप्लीट है, मैं लड़ चुका हूं। 3-3 दिन में मैंने बड़े रिजल्ट देखे हैं अपनी जिंदगी में, 3-3 दिन में। हालेलुया। आज लोगों को पता नहीं कि परमेश्वर का वचन उनके जीवन में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, बाइबल की गहराई उनकी जिंदगी में प्रैक्टिकली नहीं, इसीलिए वो हमेशा या तो ओवर स्पिरिचुअल है या बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं।